हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम बीवर। देखिए ये बड़ा कंफ्यूज क्वेश्चन है, यूपीपीसी क्वेश्चन, यूपी उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन ने पूछा था। इसी को बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं बाबू? ब्लैक होल, कृष्ण छिद्री बोलते हैं इसको, बोलते हैं ब्लैक होल, कृष्ण छिद्री बोलते हैं। ये श्याम बीवर क्या होता है, देखिए एक आकाशीय एक घटना है। होता क्या है, एक आकाश में, एक आकाशीय पिंड में कैसा होता है, जैसे कि इसका मास बहुत ज्यादा होता है, द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, द्रव्यमान के चलते इसमें घनत्व भी बहुत ज्यादा हो जाता है, डेंसिटी, जिसके चलते इसमें एक अलग से अट्रैक्शन पावर हो जाता है। ठीक है, तो एक क्या हो, सूर्य का एक, इसमें देखिए श्यामी हवाई जहाज की उड़ान का भी लेख नहीं है, सूर्य का एक डब्बा भी नहीं है, अटार्कटिक की एक जगह भी नहीं है, सिमट गया तारा, यानी कि तारा का जो लास्ट फेज होता है वही इसको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल में, ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पावर और इसका घनत्व भी बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी, जिसके चलते यहां से अगर प्रकाश भी पास नहीं कर पाता, प्रकाश को ही खींच लगता है, एयर को खींच लगता है, इसलिए ब्लैक होल बोलते हैं इसको, कृष्ण छिद्र। क्या बोलते हैं बाबू? कृष्ण, सॉरी, कृष्ण हिंदी में बोलते हैं, कृष्ण छिद्र। तो क्या होता है, सिमट गया तारा, यानी तारा का अपना कोई लाइफ नहीं है, तारा का अपना सिमट गया तारा है, तारा खत्म हो गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या होती है? तारों के कारण, ये स्टार के चलते ही होता है, तो ये क्या होता है, ओजोन छिद्र नहीं, इसको भी बोलते हैं यहाँ कि क्या होता है, ब्लैक होल, इंग्लिश से बोलते हैं इसको ब्लैक होल, यही होता है, एक तरह से सेलिस्टिकल परिघटना होती है, आकाशीय परिघटना होती है ब्लैक होल। ठीक है, तो ब्लैक होल वही होता है जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा, इसके द्रव्यमान ज्यादा होता है, और कोई भी चीज इसमें पास नहीं कर पाता है, हर चीज क्या होता है। और एक चीज और समझिए कि ओजोन क्या होता है, ओजोन छिद्र क्या होता है, तो ओजोन छिद्र आपको देखते हैं वायुमंडल के लेयर एक होता है, वायु मंडल में एक लेयर होता है, लेयर बहुत सारा होता है, पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद अब होता है मध्य मंडल, उसके बाद बोलता है आपको इसको देखे ना, TSMIE, यानी कि मध्य मंडल हो गया, उसके बाद आपको वही मंडल, एक और होता है आयन मंडल, बीच में आयन मंडल। तो अगर पूछेगा कि ओजोन मंडल कहाँ होता है बाबू, ओ जोन मंडल कहाँ होता है, तो समताप मंडल के ऊपरी सीमा, और यानी कि होता तो है समताप मंडल में लेकिन क्षोभ मंडल के ऊपर होता है, क्षोभ मंडल में सारी आकाशीय आकाशीय घटना होती है, यानी कि आंधी तूफान, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाई जाती है, मध्य मंडल आयन मंडल में वही आपको क्या होता है, वही आपको हीलियम, मतलब अब वही मंडल बाहर होता है। तो क्वेश्चन क्या है, और एक चीज और देखिएगा, ओजोन मंडल की मोटाई जो नापी जाती है, याद क्वेश्चन पूछता है, डबसन यूनिट से, डबसन इकाई से आपको नापी जाती है। ओजोन मंडल होता कहाँ है भाई, क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल में। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ओजोन, ओजोन छिद्र भी आता है, ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र, ये आपको अंटार्कटिका के ऊपर होता है। ओजोन छिद्र होता क्या है भाई, तो ओजोन को बोलते हैं ऑक्सीजन का 3 गो आइसोटोप होता है, उसी में O3 होता है ओजोन। ओजोन परत में क्या होता है, आपको बाहरी, आपको क्या होता है, बाहरी मंडल में छेद होने लगता है इस टेम्परेचर से, और ओजोन मंडल क्या होता है, पैरा बैंगनी किरणें को क्या करती है, फिल्टर करके रोकती है। यही आप नीचे जैसे देखिए, यहाँ आपको बाहरी वायुमंडल हो गया, बाहरी यहाँ वायुमंडल हो गया, इसमें आप नीचे में इतने ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाइएगा,
ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, आपको क्लोरोफ्लो कार्बन बढ़ेगा, तो इसके टेम्परेचर से ओजोन ओजोन लेयर में क्या हो रही है, धीरे धीरे होल हो रही है। अगर धीरे धीरे इसमें होल हो जाएगा तो जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट जो रे होगी, देखो समझिएगा एक ध्यान से, जो ओजोन जो लेयर हो क्या करती है, तो अगर क्वेश्चन आए कि ओजोन लेयर का क्या काम है, तो सूर्य से आने वाली, देखिए यहां सूर्य से आने वाली जो भी हानिकारक किरणें होती हैं उसको फिल्टर करने का काम करता है। कोई पूछे कि या क्वेश्चन कहीं रहे कि ओजोन लेयर क्या करती है, तो ओजोन लेयर करती है सूर्य से, जैसे सूर्य का टेम्परेचर आता है, सूर्य का रेज आता है, तो उसे बहुत सारी हार्मफुल रेज भी आती है, तो उसी को ओजोन मंडल क्या करती है, फिल्टर करती है। तो ओजोन लेयर में पृथ्वी में हम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ रहा है, इतना ज्यादा हम डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसके चलते टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो जिसके चलते टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहां से टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें धीरे धीरे होल होगा, तो धीरे धीरे ये एक तरह से छल्ली का काम करता है, फिल्टर का काम करता है। एक और क्वेश्चन हुआ, एक बार पूछा भी है कि ओजोन लेयर किस तरह का काम करता है, तो फिल्टर का काम करता है। कौन सा फिल्टर, ये ऊपर से सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है उसको रोकती थी। अब हम कुत्ता सियार तो हो गए हैं आदमी, इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो हम लोग उपयोग करेंगे अलग अलग चीज को, तो जिसके चलते सूर्य टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है, पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने से इसमें क्या हो जा रहा है, छेद हो जा रहा है, और छेद हो जाएगा तो ये जो टेम्परेचर ऊपर से आ रहा था ये तो अब छेद तो हो रहा है, तो इसी से पार करके धरती पर आ जाएगी, धरती पर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपको कैंसर होगा, अनाज का उत्पादन रुक जाएगा क्योंकि धान गेहूं पर गिरेगा ये ओजोन-3, तो धान गेहूं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये ओजोन यूनिट बनी है। और एक चीज याद रखिएगा, ओजोन यूनिट को किससे नापते हैं, तो डबसन यूनिट से नापते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ओजोन मंडल, ओजोन लेयर होता कहाँ है, तो क्षोभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल में। आगे बढ़िए, कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसने किया था, ये भारत का भी तो बताए थे, ये चंद्रशेखर ने ही ब्लैक होल का सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे, यही सूर्य के टेम्परेचर से इतना ज्यादा अगर होगा तो ये आपको चंद्रशेखर सीमा हो जाएगी। ये सीवी रमन क्या थे भाई, तो सीवी रमन के बर्थडे से ही भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, साइंस डे, विज्ञान दिवस। ये सीवी रमन एक चीज खोज किए थे, आपको याद रखिए, जो साइंस का विद्यार्थी होगा, लिखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, स्केटरिंग ऑफ लाइट, यही के खोज किए थे, इन्हीं के प्रकाश किरण के जिस दिन खोज किए थे और जिस दिन इनको नोबेल पुरस्कार मिला था उसी के याद में आपको सीवी रमन का याद करते हैं, ठीक है। होमियो जहांगीर भाभा, ये आपको क्या थे, भारत में आपको नाभिकीय ऊर्जा का पिता थे, यानी न्यूक्लियर का काम जितने भारत में होता सब होमियो जहांगीर भाभा किए थे। एस चंद्रशेखर, ये बताए हैं कि कृष्ण क्षेत्र का सिद्धांत थे। और हरविंद खुराना, ये भी भारत के एक वैज्ञानिक थे, जीव विज्ञान थे, ये आपको क्या थे, कृत्रिम रूप से जीन बनाए थे। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड में आर्टिफिशियल रूप से जीन कौन बनाया था लेबोरेटरी में, तो हरगोविंद खुराना। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी, चंद्रशेखर, सबसे पहले कौन दी, चंद्रशेखर दिए थे। ब्लैक होल क्या होता है बता दिए, ब्लैक होल एक ऐसा चीज होता है जिसकी चीज से प्रकाश भी पार नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी घनत्व बहुत ज्यादा होता है, और क्या होता है, क्षेत्रफल कम रहता है और घनत्व ज्यादा होगा, तो स्वाभाविक है होगा ही, क्योंकि एरिया कम होगा। तो एक चीज यहां से समझ लीजिए, दाब क्या होता है, दाब बराबर करता है फोर्स बटा एरिया, दाब बराबर क्या होता है, फोर्स का हिंदी क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा समझिए इसका, दाब का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, याद रखिएगा, दाब का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, और दाब बराबर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया होता है। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा पढ़े हैं मैथमेटिक्स, तो अगर एरिया बढ़ेगा, अगर नीचे वाला इसको मान लेते का ये अंश है, ये हर है, अगर हर का वैल्यू बढ़ता है तो फ्रैक्शन का मान कम होता है, यानी दाब कम होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, फ्रैक्शन का मान भी कम होता है, इसलिए एरिया कम रहता है
एरिया जहां कम होगा प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए ब्लैक होल का एरिया कम होता है तो यहाँ क्या होता है, दाब ज्यादा होता है, तो यहाँ कोई भी चीज पास नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा एक टर्म है, ब्लैक होल के अंतिम जो स्थिति होती है ना वही सुपरनोवा होती है। क्वेश्चन नंबर, सुपरनोवा क्या होती है? तो आपको ऑप्शन पढ़िए, एक ग्रहिका यानी ग्रह का कंसेप्ट है, एक ब्लैक होल है, एक पुछल तारा है, एक मृत पर। तो सुपरनोवा तारा वही होता है जब तारा का अंतिम फेज होता है, जब तारा मरने के कगार पर होता है तो सुपरनोवा बनता है, जिसको बोलते हैं आपको ग्रेट रेडियंट। तो इसको मृत पाया यानी कि जब तारा मरने लगता है ना तब सुपरनोवा बनता है। तो सुपरनोवा ग्रहिका तो है नहीं, ग्रह वाला कंसेप्ट है, ब्लैक होल वाला चीज है नहीं है, तो ब्लैक होल भी नहीं होगा। पुछल तारा क्या होता है? पुछल तारा जैसे एक तारा होता है तो उसके सूरज के आकर्षण से ना जो हवा होता है एक तरह से ऐसे चीज बनने लगता है पुछल तारा, यानी कहने का मतलब एक तेल की तरह, एक पूंछ की तरह बनता है ऐसे। और इसमें ये क्या होता है, एक तरह से हवा हवा होता है, हवा होता है, तो ये पुछल तारा है नहीं, यानी कि जिसकी ये, तो इसका क्या हो जाएगा, मृत, यानी कि जब तारा जब मरने के कारण होता है तो सुपरनोवा बनता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है? देखिए इसको ये तो इंफॉर्मेशनल चीज हो गया या रटने वाला चीज होगा कि 88 को तारा मंडल है, लेकिन तारा मंडल होता क्या है? देखिए दो को चीज होता है, एक होता है आपको गैलेक्सी, और एक होता है तारा मंडल। इसको एक और नाम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन। तो देखिए तारों के समूह को गैलेक्सी भी कहते हैं, तारों के समूह को तारा मंडल भी कहते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए एक तो तारा बनेगा, तारा अगर ग्रुप ऐसे ऐसे ग्रुप मिलेगा तारा सब, इसी को बोलते हैं तारा मंडल। गैलेक्सी भी वही होता है, ब्रांचेज ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। तो दोनों में फर्क ये होता है कि तारा मंडल अगर तारों मिलकर बनेगा तो एक स्पेशल फोटो बन जाएगा। जैसे देखिए इसमें स्पेशल फोटो बना ना, एक चीज कोई चीज जानवरों का फोटो बन गया, जैसे सप्तऋषि है भारत में, सॉरी भारत में नहीं, माने सप्तऋषि है, आकाशी है। तो तारों के ऐसे समूह जो एक विशेष आकृति बनाता है उसको तारा मंडल बोलते हैं, और केवल तारों के समूह को गैलेक्सी बोलते हैं। यानी कि ये अगर तारा मिलेगा तो कोई एक फोटो या कोई स्पेस नहीं बनाएगा, कोई एक शेप नहीं देगा, लेकिन ये मिलेगा तो एक शेप देगा। तो 88 को तारा मंडल है, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो देखिए अंतरिक्ष में तो पल्सर पाया जाता है, अंतरिक्ष में पल्सर पाया जाता है तो ये तो होगा नहीं। ब्रिस्टल तारा भी ये समुद्र में पाया जाता है, ब्रिस्टल तारा एक तरह से क्या है, मछली है, ये समुद्र में पाया जाता है। ब्लैक होल तो अभी बताए ही आपको, क्वासर भी एक टर्म है, तो इसमें होगा ब्रिटल तारा ये समुद्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की मछली है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, ब्रिटल तारा। आगे बढ़िए, हब्बल अंतरिक्ष लेकिस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारों का सतह का छाया भी है, तारों का समूह किस प्रकार है? तो देखिए ये जो हब्बल है ये विरिगो, सेवन मर्जिना, आपको ब्रिटल यूकस और डिग डिपस पर, ये आपको तारों का समूह, इसको बोलते हैं बिटल लुगस, इसका आंसर तो हो जाएगा बिटल लुगस। ये एक प्रकार की खोज हुआ था इन द शेप ऑफ ब्रिटल लुगस, ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष है, यह पृथ्वी से कितना दूर है, 650 प्रकाश वर्ष, ठीक है। इसको 1836 में इसको हर्सिल ने देखा था, एक वैज्ञानिक थे हर्सिल, यही देखे थे, किंतु 1995 में इसे हब्बल दूरबीन से इसका चित्र खींचा गया, हब्बल एक दूरबीन था उससे इसको 1995 में फोटो खींचा गया, ठीक है, ये खींचने का प्रथम चित्र है। इसका बटल बिस विरिगो ये सब चीज एक टेलीस्कोप लेकिस्कोप नहीं होता है, यहाँ आपको टेलीस्कोप होगा, लेकिस्कोप नहीं होता है, टेलीस्कोप जो है ना गलती से लिखा गया हमसे, इसको बोलते हैं टेलीस्कोप। अच्छा टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में फर्क क्या है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो टेलीस्कोप का खोज किया था गैलीलियो, याद रखिएगा गैलीलियो, जिसको मॉडर्न आधुनिक भौतिकी शास्त्र का पिता भी कहते हैं गैलीलियो को। और गैलीलियो विश्व का भ्रमण किया था एक जहाज, क्या नाम था उसको, बिगल जहाज का नाम था, बिगल, सॉरी बीगल, बिगल से। और आपको इसका नोस्का या किया था, नोस्का किया था, ठीक है। तो टेलीस्कोप में दूर की वस्तु देखते हैं और माइक्रोस्कोप में नजदीक की वस्तु देखते हैं, फर्क यही है, ठीक है। आगे बढ़िए, टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने किया था। निम्नलिखित कथनों में विचार करें, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच अंतरिक्ष में बैठा व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, माने अगर कोई व्यक्ति यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, अंतरिक्ष यान में बैठा हुआ है, कोई यान में बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, आई सन है, तो क्या दिखाई देगा उसको, किस प्रकार महसूस करेगा। महसूस करने के में आकाश काला दिखाई देगा, तारे टिमटिमाएंगे नहीं, अंतरिक्ष यान के बाहर का टेम्परेचर पृथ्वी के टेम्परेचर से अधिक होता है। अधिक कहाँ होता है, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के ताप का अधिक कैसे होगा, कम होता है, तो ये तो गलत है। आकाश काला दिखाई देगा, बिल्कुल काला दिखाई देगा, और तारे टिमटिमाएंगे नहीं। तारा कब टिमटिमाता है, आकाश कब काला दिखाई देता है, जब उसको वायुमंडल रहेगा तब ना दिखाई देगा। तो यहां तो वायुमंडल लेक ऑफ एटमोस्फेयर है, तो जब वायुमंडल है ही नहीं, जब वहां वायुमंडल रेयर ऑफ द रहता है, वहां वायुमंडल रहता ही नहीं, तो जब वायुमंडल रहेगा ही नहीं, तो कोई चीज जब रहता नहीं है, जो कुछ भी चीज नहीं रहता है, तो वहां काला दिखाई देता है। मान लेते रात एक आदमी बोला ना कि आपका सपना कैसा है, लाइफ कैसा है, तो व्यक्ति बोला कि हम सपना भी देखते हैं तो काला दिखाई देता है, यानी कि उसके जिंदगी में केवल काला है, नहीं काला है नहीं, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, कोई भी सोर्स भी नहीं है। जब कुछ होगा, आवागमन होगा, तब ना जिंदगी ब्लैक रंगीन होगी। उसी प्रकार ऊपर जाइएगा, वायुमंडल रेयर होता है, वायुमंडल होता ही नहीं है, जहां वायुमंडल होता ही नहीं हुए तो ना स्केटरिंग ऑफ लाइट होगा, ना कुछ भी होगा। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, काला होता है, ठीक है। तारे टिमटिमाएंगे नहीं, टिमटिमाएंगे कब, जब वायुमंडल होगा, एयर जाएगा, लाइट होगा, तब ना स्केटरिंग होगा। तारे आपको क्या होगा, ट्विंकल भी नहीं करेंगे, तारे टिमटिमाएंगे नहीं भी। और तारा का टिमटिमा प्रकाश के परिवर्तन का उदाहरण होता है, सॉरी अपवर्तन का, डिफ्रेक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका, ये गलत है, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। आकाश काला दिखाई देगा, तारे नहीं टिमटिमाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होता है, होता है। आगे बढ़िए, प्रकाश वर्ष क्या है, बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और ग्लोरियस क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसको लाइट ईयर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो सबसे पहले इसका तो आंसर जानना चाहते हैं, तो आपको ये आपको दूरी क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, देखिए जो प्रकाश होता है एक साल में, प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक साल में प्रकाश, एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक साल में, यानी कि एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि तो प्रकाश की चाल क्या होती है बाबू, प्रकाश की चाल देखिए 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, नहीं तो 3×10^5
किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि प्रकाश प्रकाश एक साल में सॉरी प्रकाश एक साल में नहीं, थोड़ा सा इसको सुधारिए एक मिनट, प्रकाश प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल जो होती है एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर चलती है। ये इसी का मतलब हुआ कि प्रकाश एक सेकंड में कितना चलती है, 300,000 किलोमीटर। अगर मीटर रहेगा तो यहां 8 होगा, और किलोमीटर दे देंगे तो 5 हो जाएगा। पावर याद रखिएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा भी ऑप्शन दिया रहेगा 3×10^8 आप दे दिया है किलोमीटर प्रति सेकंड, तो ये गलत हो जाएगा ना। जब किलोमीटर होगा तो 5 ना हो जाएगा, किलोमीटर है तो 3×10^5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में प्रकाश 300,000 किलोमीटर चलती है। इसका अर्थ क्या हुआ, एक और समझ लीजिए एक चीज और, यानी कि दिल्ली से छपरा का डिस्टेंस 1,000 किलोमीटर है भी ये, और ये एजम्पशन नहीं कर रहे हैं, रियलिटी है, 1,000 किलोमीटर लगभग है। तो अगर लाइट को एक सेकेंड में कितना, 3×5 यानी कि आपको कितना बार कर लेगा, 30 बार अप डाउन कर लेगा प्रकाश। समझिए, एक सेकंड में प्रकाश छपरा से दिल्ली जाना होगा तो एक सेकंड में 30 बार कर लेगा। इसी का अर्थ हुआ कि प्रकाश की चाल 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड या एक सेकंड में 300,000 चलता है। तो यही दूरी होता है, यानी कि ये डिस्टेंस निकाला जाता है किसका, सूर्य का और आपको पृथ्वी का। सूर्य और पृथ्वी के दूरी औसत दूरी हम बताए हैं अभी 14,98,00,000 किलोमीटर होता है, और अधिकतम दूरी 15,21,00,000। तो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक होता है, यानी कि किसकी दूरी निकाला जाता है, प्रकाश वर्ष से किसकी दूरी निकालते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन टू अर्थ। आगे बढ़िए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, वही लाइट ईयर। दो तारों के बीच में अगर डिस्टेंस दूरी निकाला जाती है तो उसी को तो बोलते हैं आपको प्रकाश वर्ष, समझ में आया ना, प्रकाश वर्ष 9.46×10^15 किलोमीटर प्रति, ऐसे ही कुछ होता है वैल्यू इसका। तो यानी कि इसी 3×8 मीटर प्रति, अभी तो बताए स्टील मीटर कुछ होता नहीं, कॉस्मिक किलोमीटर क्या होता है, कॉस्मिक वर्ष होता है, इसको बोलते हैं कॉस्मिक वर्ष। इंग्लिश में अभी लिखे भी हैं, पहला क्वेश्चन वही बताए थे, या इसको ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। जब सूरज अपनी आकाश गंगा को 25 करोड़ वर्ष में चक्कर काट लेती है उसी को कॉस्मिक बोलते हैं, गैल्वेनिक इकाई। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा होता है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लॉजिक है इसमें कुछ ना कुछ। एक लड़का खड़ा है यहाँ, एक लड़का, लड़का ही का फोटो भी गलती हमसे बन गया, कोई बात नहीं, आप समझिए। आगे लिखिए, देखिए कोई लड़का यहां खड़ा है, लड़का यहां कोई खड़ा है, यहीं खड़ा कीजिए इसको, लड़का मिट नहीं रहे हमसे, कोई लड़का खड़ा है अंधेरी रात में है, अंधेरी रात है, कॉमन सेंस, अंधेरी रात है, रिफ्रेक्शन नहीं होगा प्रकाश का, कुछ प्रकाश लाइट है नहीं, स्केटरिंग भी नहीं होगा, एकदम ब्लैक नाइट है, रेगिस्तान में अकेला खड़ा है तथा उसे अपने गांव जाना था। ये खड़ा है यहाँ, ये गीत है ना कि बार घरे पहुंचा दो वाला, पवन सिंह वाला गीत, कैसे दिन पुराना गीत है। तो उसको अपने गांव में जाना था जो वहां से पूरब में 5 किलोमीटर है, उसके यहाँ क्या है पूरब में, ये खड़ा है तो मान ली पूरब में 5 किलोमीटर से घर है, उसको दिशा के बारे में ज्ञान नहीं थी कि क्या है पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, उत्तर कौन है, इसको मालूम नहीं है कि पूरब पश्चिम, लेकिन पूरब में उसका घर है लेकिन मालूम नहीं है कि मेरा घर पूरब में है कि पश्चिम में है, अच्छा है किधर पूरब है उसको मालूम नहीं है, यू डोंट नो अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन वो खड़ा है
पांच किंड पूरा में उसका घर है। उसके पास कोई दिशा का ज्ञान यंत्र नहीं था, डिवाइस भी नहीं था, उसे ध्रुव तारा की पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अब वो ज्योग्राफी पढ़ा था, अमरिंदर सर से ज्योग्राफी वो क्या हुआ था, पढ़ा था व्यक्ति, लेकिन उसके पास कोई भी दिशा सूचक यंत्र नहीं थी। आओ ब्लैक नाइट में खड़ा है, रेगिस्तान में खड़ा है, लेकिन घर उसका पूरब है, लेकिन वो रात में क्या देखता है, रात में पूछ क्या बोलते हैं उसको, ध्रुव तारा देखता है। क्या देखता है? ध्रुव तारा। तो अब दिमाग में ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तो उसको अमरिंदर सर ने पढ़ाए थे कि ध्रुव तारा जो होता है हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है, ये फिक्स उसको मालूम है, अमरिंदर सर से पढ़ा था। तो अमरिंदर सर उसको पढ़ाए थे कि बाबू ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में दिखाई देता है और किधर भी नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज एक समझ में आ गया कि इधर क्या है, उत्तर है जहां से निकला ध्रुव तारा। अब उत्तर है, उसको मालूम है कि मेरा घर पूरब में है, तो उत्तर से पूरब जाने के लिए बाईं ओर मिलेगा, बाईं से घूमेगा, जैसे उत्तर है इधर से जाना है पूरब, तो क्या होगा, बाईं तरफ घुसेगा, तो ध्रुव तारा की दिशा में चलेगा, तो ध्रुव तारा के दिशा में चलेगा तो उत्तर दिशा में जाएगा बाबू, आ घर किधर है, पूरब है, तो ये नहीं होगा। ध्रुव तारों के विपरीत दिशा में चलेगा, ध्रुव तारा के विपरीत, यानी ध्रुव तारा उत्तर में दिखाई दिया, विपरीत चलेगा तो दक्षिण में मिलेगा, उसका घर पूरब में है, तो ये भी नहीं होगा। ध्रुव तारा को अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा, अपनी ओर ध्रुव तारा है तो बाईं ओर लेकर चलेगा, तो बाईं इधर हो गया तो क्या चलेगा, इधर पूरब नहीं मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी, समझा गया। तो यहां जानने वाला चीज क्या है, जानने वाला चीज एक एक है कि जो ध्रुव तारा होता है हमेशा उत्तर की तरफ निकलता है, समझ में हो गया, आगे बढ़िए। जिस तारामंडल में तारो ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं वह है, ठीक है। तो आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं वह है, यानी कि अभी तो हम बताए हैं ये कॉन्स्टिलेशन है कि सप्तऋषि है, यानी कि सात गो इसमें तारा होता है, एक तरह से ऋषि का फोटो बनता है, संकेत करते हैं वो है सप्तऋषि, क्या हो जाएगा आंसर इसका, ये आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है, माने कौन जो एक टर्म है वो आपको अंतरिक्ष से यानी कि रिलेटेड नहीं है। तो देखिए ये टेलीमेरिंग होता है, देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड है, बाइट, तो ऐसे भी छाड़ सकते, अगर सबको नहीं मालूम है ना और किसी के बारे में हमको मालूम नहीं है तब भी ऐसे छाड़ सकते हैं बाइट, 8 बाइट पर एक बिट होता है, तो ये सबसे छोटा यूनिट है कंप्यूटर का, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। भारहीनता, यानी कि उपग्रह में भारहीनता महसूस होती है क्योंकि वहां डब्ल्यू बराबर एम जी काम नहीं करती है, आगे बढ़िए, ठीक है। आज सेशन कैसा रहा बताइए आप लोग, जवाब देकर बताइएगा किस प्रकार रहा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपको फिर हम इससे आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।